नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए अक्टूबर मंथ के फर्स्ट वीक में जो करंट अफेयर बना है उनकी यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट और इम्पॉर्टेंट डे से जो क्वेश्चंस बने हैं उनकी यहाँ पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो आपसे अनुरोध करूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल करंट अफेयर से। तो नेशनल करंट अफेयर में सबसे पहला क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5G को लॉन्च कर दिया है। 5G को कहाँ से लॉन्च किया, किस सिटी से लॉन्च किया, किस इवेंट में लॉन्च किया, किस किन कंपनियों के द्वारा इसे लॉन्च कर दिया गया, सारी यहां पर हम डिटेल जानने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 5G को लॉन्च किया है 1 अक्टूबर को। कब किया है? 1 अक्टूबर 2022 को। याद रखिएगा, इस दिन नरेंद्र मोदी जी ने 5G को लॉन्च कहां से किया, तो 6 नंबर का एक इंडिया मोबाइल कांग्रेस ऑर्गेनाइज कराई गई थी दिल्ली में, वहीं से 5G को इन्होंने लॉन्च किया है। आपको बता दूं, 5G टेक्नोलॉजी है क्या? तो ये अल्ट्रा हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट प्रोवाइड कराने वाली एक टेक्नोलॉजी है। जितनी स्पीड अभी आप अपने फ़ोन में देख रहे हैं उससे 3 गुना माना जा रहा है कि अगर सही से सब कुछ काम हो तो आपको 3 गुना स्पीड अभी के मुकाबले आपको मिल सकती है 5G में। याद रखिएगा, 5G आपको बहुत तरीके से मदद कर सकता है, जैसे लाइव स्ट्रीमिंग को अलग लेवल का बना सकता है, आपकी जो गेमिंग खेलने वाली, बड़े बड़े गेम को खेलने वाला जो कैपेसिटी है अभी डाउन हो जाती हो तो उसको बेहतर कर सकता है, और बहुत सारी कनेक्टिविटी को, हमारे बिजनेसेस को और भी दूसरे डेवलपमेंट को ये बेहतर करने में मदद कर सकता है। आपको बता दूं, 5G को लॉन्च किस किस कंपनियों ने कर दिया है, तो आप इसी में नरेंद्र मोदी जी के अनाउंसमेंट के साथ साथ जियो, रिलायंस जियो ने, और साथ साथ दूसरी कंपनी है एयरटेल, इन दोनों ने रोल आउट कर दिया है। रिलायंस जियो की बात करें तो इनका काम फास्ट चल रहा है दूसरी कंपनियों के कंपेयर में। इन्होंने बोला है कि हम 2023 दिसंबर तक अपने काम को ख़त्म कर देंगे, मतलब पूरे भारत में 5G प्लान को इंस्टॉल कर देंगे। और साथ साथ एयरटेल ने कहा है कि हम 2024 तक हम अपने काम को ख़त्म कर देंगे, और हमने भी रोल आउट कर दिया है, थोड़ा सा स्लो है लेकिन हमने काम स्टार्ट कर दिया है और हम भी ख़त्म कर देंगे। इसी में नरेंद्र मोदी जी ने टोटल 4 पिलर दिए हैं डिजिटल इंडिया को बेहतर बनाने के लिए। 5G इसमें हेल्प तो करेगा लेकिन ये 4 पिलर इसमें सपोर्ट करेंगे। किसमें? कि पहला पिलर ये है कि जो गैजेट्स हैं, जो डिवाइसेस हैं, उनकी कॉस्ट कम होनी चाहिए। मान लीजिए 5G हमें यूज़ करना है तो उसके लिए कोई डिवाइस चाहिए हो या कुछ और इंस्ट्रूमेंट चाहिए हो तो उसकी हमें कॉस्ट कम लगनी चाहिए। अब ये कॉस्ट कम कैसे लगेगी? तो उनका ये कहना था कि अगर हम जो प्रोडक्ट बाहर से खरीद रहे हैं, अगर उनको हम यहीं पर भारत में बनाएंगे तो सिंपल सी बात है, कॉस्ट गैजेट की कम हो जाएगी। मतलब आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करने की यहाँ पर कोशिश की गई। दूसरी चीज़, डिजिटल कनेक्टिविटी सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित ना रह जाए, ये सभी लोगों तक डिजिटल कनेक्टिविटी होनी चाहिए। जैसे कि भारत में गांव और शहर में काफ़ी डिफरेंसेस आ जाते हैं। जो गांव शहर के पास होते हैं उनका तो ठीक ठाक रहन सहन और सारी चीज़ें उनकी बेहतर होती हैं, लेकिन जो गांव बहुत दूर दराज में रहते हैं उनका जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी दूर रह जाता है। ऐसा ना हो, अगर डिजिटल कनेक्टिविटी हम शहर के लोगों को दे रहे हैं तो गांव के उस छोर में बैठे हुए आदमी के पास भी डिजिटल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ये सुनिश्चित करना है। ये दूसरा पिलर है नरेंद्र मोदी जी का। तीसरा है कॉस्ट ऑफ डेटा। अब आप देख रहे होंगे, जब शुरुआत में जियो लॉन्च हुआ था तो 0 रुपया देना पड़ा था, मतलब कोई पैसा नहीं लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपनी कॉस्ट बढ़ाते अब ठीक ठाक लेवल पर आ गए हैं। लेकिन आपको बता दूं, अभी भी पहले के मुकाबले, जब जियो नहीं आया था उससे पहले के मुकाबले अभी भी
सस्ता डेटा है। लेकिन यही नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, जितना कॉस्ट अभी लग रहा है ऐसा मत कीजिएगा कि 5G जब हो जाए तो आप कॉस्ट को डबल ट्रिपल कर दें। लेकिन इसका एश्योरेंस दोनों कंपनियों ने दिया है, जियो ने भी और एयरटेल ने भी, कि हम ऐसा नहीं करेंगे। माइनर सा चेंज थोड़ा बहुत तो आएगा, लेकिन इतना नहीं आएगा कि डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएंगे, क्योंकि अभी जियो के यूज़र, जियो और एयरटेल और दूसरी कंपनियों के यूज़र बहुत ज़्यादा हैं, जो कि इस कॉस्ट पे फ्रेंडली हो चुके हैं डेटा को खरीदने के लिए। मतलब डिजिटल जो क्रांति भारत में आ रही है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 5G की वजह से डबल या ट्रिपल हो जाएगी तो बहुत सारे लोग अपनी डिजिटल कनेक्टिविटी को छोड़ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कॉस्ट भी कम होनी चाहिए। ये तीसरा पॉइंट दिया नरेंद्र मोदी जी ने। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें हमारे भारत देश में हर नागरिक को डिजिटल एक्टिव बनाना है, डिजिटल फर्स्ट बनाना है। मतलब कोई भी काम अगर वो कर रहा है तो वो ये सबसे पहले ना सोचे कि मैं मैनुअली कर लूँ। अगर उसके पास डिजिटली ऑप्शन है तो डिजिटली वो करें, जिससे कि उसकी जो टाइम है, उसका जो समय है वो बच सके। और भी बहुत सारी चीज़ें डिजिटल काम करने से बेहतर होती हैं। इसीलिए चार पिलर्स नरेंद्र मोदी जी ने दिए। ये चारों पिलर्स आपको पता होने चाहिए। वन डे एग्ज़ाम के लिए तो सिर्फ इतना ही सफिशिएंट है कि चार पिलर कौन से हैं। और चार पिलर नरेंद्र मोदी जी ने दिए, कब दिए पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा, हमें याद रहना है कि 5G लॉन्चिंग के समय पर नरेंद्र मोदी जी ने कितने पिलर दिए, चार पिलर। वन डे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक जजमेंट दी। क्या जजमेंट थी? जजमेंट ये थी कि दो प्रकार की महिलाएं हैं। मान लीजिए, ऐसा कुछ डिफरेंसेस नहीं पैदा कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूं। दो प्रकार का मतलब कि एक तो मैरिड महिला और एक अनमैरिड या फिर सिंगल मदर। अब मैरिड जो महिला है उसके पास राइट्स थे अभी तक कि 24 वीक तक, अपनी प्रेगनेंसी के 24 वीक तक वो अबॉर्शन करा सकती है। ये लीगल राइट था। लेकिन अगर देखें अनमैरिड और सिंगल महिला में, तो उसके पास ये राइट नहीं था। वो 20 मंथ तक ही अपना अबॉर्शन करा सकती है, उसके बाद वो लीगली उसको अप्रूव नहीं किया हुआ था। अब रिसेंटली में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट दी, उसमें ये बात कही कि भाई महिला वो भी है और महिला वो भी है, अब दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए। आर्टिकल 14 कहता है। जब आर्टिकल 14 ये बात कह रहा है तो ये कैसे हमने डिस्क्रिमिनेट कर दिया, कैसे हमने अलग अलग कर दिया कि जिसकी शादी नहीं हुई है या जो सिंगल मदर है वो 20 वीक तक ही अपना अबॉर्शन कराएगी और जिसकी शादी हो गई है वो 24 वीक तक। इसीलिए जो अभी जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जे बी पारदीवाला और एएस बोपन्ना जी की जो बेंच बैठी थी, उन्होंने ये डिसीजन लिया, चाहे वो महिला अनमैरिड हो, चाहे वो महिला मैरिड हो, चाहे वो महिला सिंगल मदर हो, चाहे वो महिला मैरिड हो, ये सारी महिलाओं के पास सेम अधिकार होगा। सभी महिलाएं 24 वीक तक ही अपना अबॉर्शन करा सकती हैं। कोई भी रीज़न हो अबॉर्शन कराने का, उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन रीज़न सिर्फ ये है कि महिलाओं को समान अधिकार देने के लिए महिला 24 वीक तक, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो, अपना अबॉर्शन करा सकती हैं। ये जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और उनकी जो साथी टीम है, उन्होंने ये डिसीजन दिया है। तो याद रखिएगा, अभी रिसेंटली का ये एक जजमेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हिताची एस्टेमो, जो कि पहली सोलर पावर प्लांट भारत में सेटअप कर रहा है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हिताची एस्टेमो ये जैपनीज कंपनी है और भारत में ये जलगांव कहाँ पर है? जलगांव महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को डेवलप करने वाला है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो कि अमित शाह जी के द्वारा लीड की जा रही है, इसने PFI को और इसकी जो एसोसिएट संस्थाएं हैं उनको बैन कर दिया है। आपको बता दूं, PFI कौन है?
तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा चर्चाओं में अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में रही, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है PFI और इसके जो एसोसिएट्स हैं उन सभी को अगले 5 साल तक के लिए बैन कर दिया है। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, जो कि इस समय पर अमित शाह जी के द्वारा संभाली जा रही है। कहा क्या जा रहा है इनको बैन करने का, रीज़न क्या बताया गया? आंसर होगा कि रीज़न ये बताया गया कि देश के खिलाफ काफ़ी कैंपेन ये कर रहा है, काफ़ी जो प्रोपेगेंडा फैलाने की अपनी कोशिश कर रहा है, इसीलिए नोटिस में इसे रखा गया। और अब इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं काफ़ी लेवल में हो चुकी थी, जिसकी वजह से इन पर बैन लगाया गया है। याद रखिएगा, PFI की बात करें तो इंडियन मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको 2006 में फॉर्म किया गया था, याद रखने वाली बात है। अगला क्वेश्चन, सीबीआई ने रिसेंटली में चाइल्ड एब्यूज मटेरियल के लिए अभी रेड की है, अभी उनके खिलाफ एक्शन किया है, और इस एक्शन का नाम इन्होंने रखा है ऑपरेशन मेघ चक्र। क्या? ऑपरेशन मेघ चक्र, जो कि सीबीआई ने अभी नेशनल लेवल की एक रेड की, मतलब अलग अलग जगहों पर, देखिए इस 20 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में 56 लोकेशन में इन्होंने अभी रेड की है, जिसमें ये पता किया गया, ये पता चला सीबीआई को कि जो बच्चों के साथ एब्यूज मटेरियल होते हैं, सेक्सुअल मटेरियल होते हैं, वो क्लाउडेड स्टोरेज के माध्यम से अलग जगहों पर फैलाए जा रहे हैं। इसीलिए क्लाउडेड स्टोरेज का यूज़ करने की वजह से ऑपरेशन मेघ चक्र इसका नाम रखा गया। ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ऐसा ही सेम जो एक्शन है सीबीआई के द्वारा पहले भी लिया जा चुका है। कब? तो ऑपरेशन कार्बन के नाम से सीबीआई ने 76 अलग अलग ठिकानों पर रेड की थी, जिसमें ये पता चला था कि बच्चों के खिलाफ, बच्चों के अगेंस्ट बहुत सारे जो मटेरियल है, अब्यूज्ड मटेरियल, उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उनके ऊपर काम किया जा रहा है, जिसको रोकने के लिए सीबीआई ने नवंबर 2021 में ये एक्शन किया था। और अभी इन्होंने जो रिसेंटली वाला एक्शन किया है ऑपरेशन मेघ चक्र, दोनों याद रखिएगा, दोनों ही चाइल्ड एब्यूज से रिलेटेड है। चाइल्ड एब्यूज का मतलब ये है बच्चों को मानसिक, शारीरिक या फिर कोई और प्रकार की प्रताड़ना देना कहलाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर बात करें सीबीआई की। सीबीआई मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, 1963 में इसे फाउंड किया गया। सुबोध कुमार जायसवाल इस समय पर इसके DG है और सीबीआई का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो इंटरनेशनली करंट अफेयर से होने वाले हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, व्लादिमीर पुतिन बहुत ज़्यादा चर्चाओं में, जब से यूक्रेन से इनका युद्ध छिड़ा है, बहुत ज़्यादा चर्चाओं में, प्लस शक्तिशाली नेता के रूप में, डिसीजन लेने वाले नेता के रूप में इनकी छवि बनकर उभरी है। अभी रिसेंटली में ये अनाउंसमेंट हुआ और ये सेलिब्रेशन हुआ, ये किसी से छुपी छुपाई बात नहीं है, बाकायदा इन्होंने सेलिब्रेशन किया कि रिसेंटली में यूक्रेन के इन्होंने 4 लोकेशंस को रशिया में मिला दिया है, मतलब रशिया के साथ साइन अप हो गया कि भाई ठीक है, जनमत संग्रह करा लिया गया, लोगों से पूछ लिया गया, उनकी वोटिंग डलवा दी गई, और बाद में उन्होंने ये कह दिया कि हमको जाना है रशिया के साथ। और रशिया ने ऐसा करा कैसे, तो आपको बता दूं, रशिया ने सबसे पहले यूक्रेन से उन 4 जगहों को आज़ाद करा दिया, आज़ाद का मतलब सैन्य कार्यवाही करके आज़ाद करवाया, उसके बाद वो चारों लोकेशन को जनमत संग्रह, मतलब वहाँ की जनता के साथ वोटिंग वगैरह करके, क्या वोटिंग हुई होगी, वोटिंग वगैरह करके अपनी तरफ बोल दिया गया कि हाँ ठीक है, हम चाहते हैं रशिया की तरफ होना, और हम रशिया के साथ हो गए। इससे ये होगा, उन लोगों को बेनिफिट ये होगा कि अगर कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट आता है तो रशिया की आर्मी फिर रिटेलिएट करेगी, क्योंकि अब वो जगह रशिया की ऑफिशियली हो चुकी है। याद रखिएगा, आपको पता है रशिया ने अभी रिसेंटली में जो 4 यूक्रेन के रीजन अपने अंडर ले लिए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 15% यूक्रेन को रशिया ने अपने अंदर मिला लिया, अपने ग्राफ में मिला लिया, अपने मैप में मिला लिया। याद रखिएगा ये 4 जगह कौन सी हैं, डोनेस्क, लुसांक,
कैरसन और जोपेरिजिया। अगर मैंने प्रोनशिएट में कोई गड़बड़ कर दी हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ये चार जगहों को रशिया ने अपने अंदर मिलाया है। बात करें रशिया की, तो रशिया की कैपिटल है मॉस्को, रशिया की यूक्रेन की कैपिटल है कीव, रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। और यूक्रेन को यूएसएसआर से अलग कब किया गया था, तो 1991 में इसे अलग किया गया था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, कजाकिस्तान ने अपनी जो कैपिटल थी नूर सुल्तान को चेंज करके दोबारा से अस्ताना बना दिया है। पहले 2019 में मार्च के मंथ में नूर सुल्तान एक नज़र बायेव हैं जो कि प्रेसिडेंट रहे हैं इनके, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए, उनको ऑनर देने के लिए उनके नाम पर इनकी कैपिटल को घोषित किया गया। लेकिन अभी रिसेंटली में कासिम जोमार्ट टोकायेव जो कि कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कैपिटल को दोबारा से अस्ताना कर दिया और नूर सुल्तान को हटा दिया। याद रखिएगा कजाकिस्तान की कैपिटल अब दोबारा कौन सी हो चुकी है, आंसर होगा अस्ताना। इसके प्रेसिडेंट कौन है, कासिम जोमार्ट टोकायेव। बात की जाए इसकी करेंसी की, तो टेंगे इसकी करेंसी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सऊदी अरेबिया के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। कौन, मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। सऊदी अरेबिया की बात करें तो इसकी कैपिटल है रियाद, करेंसी है इसकी सऊदी रियाल। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इटली की नई प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुई। इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पहली, इटली की पहली प्राइम मिनिस्टर चुने जाने वाली महिला है। इनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी। कौन, जॉर्जिया मेलोनी, नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ये पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है इटली की और ये राइट विंग की तरफ से आती हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर बात की जाए इटली की, तो इटली की कैपिटल है रोम, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट सर्जियो मैटरेला है। कौन, सर्जियो मैटरेला। प्राइम मिनिस्टर कौन, जॉर्जिया मेलोनी। इलेक्ट हुई है, अभी इन्होंने शपथ नहीं ली है, शपथ के बाद अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं किया है, लेकिन अब अगली कौन बन जाएंगी प्राइम मिनिस्टर, तो जॉर्जिया मेलोनी। आगे बात करें, अब यहाँ से हम स्पोर्ट्स के करंट अफेयर की चर्चा करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है टीम वर्ल्ड। टीम वर्ल्ड का मतलब यूरोप की एक टीम है और एक पूरी दुनिया की टीम है। पूरी दुनिया की टीम और यूरोप की टीम यहाँ पर एक इंडोर टेनिस टूर्नामेंट खेल रही थी, जिसमें यूरोप की टीम हार गई, टीम यूरोप हार गई और टीम वर्ल्ड जीत चुकी है। याद रखिएगा, पहली बार लेवर कप 2022 हुआ जिसमें टीम यूरोप हारी और टीम वर्ल्ड जीत गई है। याद रखिएगा, बता दूं टेनिस का ये एक इंडोर टेनिस टूर्नामेंट हुआ था जिसका नाम लेवर कप था। क्या था, लेवर कप, जिसको ऑर्गेनाइज कराया गया लंदन इंग्लैंड में। कहां पर, लंदन इंग्लैंड में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। अगला क्वेश्चन, डोमेस्टिक क्रिकेट से एक न्यूज है। क्या न्यूज है, कि वेस्ट जोन, कौन सा जोन, वेस्ट जोन जो कि दिलीप ट्रॉफी खेल रहा था, वहां पर साउथ जोन को हराकर वेस्ट जोन यहां पर दिलीप ट्रॉफी को जीत चुका है। याद रखिएगा, दिलीप ट्रॉफी कौन जीत गया, वेस्ट जोन, अजिंक्य रहाणे इनके कैप्टन हैं। और दिलीप ट्रॉफी हारे कौन है, तो साउथ जोन वाले हार गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो झूलन गोस्वामी, बहुत ज़्यादा नाम चर्चाओं में, अगर मैन में बात की जाए तो मैन में जितना नाम और किसी भी मैन प्लेयर का होगा उतना ही नाम झूलन गोस्वामी का है। झूलन गोस्वामी इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने टोटल अभी तक 5 विश्व कप खेल लिए हैं और इनसे ज़्यादा विश्व कप खेलने वाली सिर्फ एक महिला है जिनका नाम है मिताली राज। मिताली राज इनसे ज़्यादा विश्व कप खेली हैं, नहीं तो इनसे आगे अभी तक विश्व कप नंबर में खेलने वाला कोई भी नहीं है। ये बॉलर है, ध्यान रखिएगा, इन्होंने विश्व कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड भी महिलाओं में बनाया है। याद रखिएगा, झूलन गोस्वामी ने अब रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है,
इंटरनेशनल की क्रिकेट से, मतलब सारे फॉर्मेट से अभी खेलना बंद कर देंगी। आगे बात करें, अब यहाँ से हम अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे, उसके बाद सिर्फ डेज वाले क्वेश्चन आएंगे और आपके लिए वीडियो समाप्त। जिसमें ये पहली स्लाइड है, इसमें सभी नाम मैंने इंक्लूड कर दिए हैं, जो इम्पॉर्टेंट होंगे उनको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा पहला नाम है ललित भसीन का, ललित भसीन जो नए प्रेसिडेंट बने हैं इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के, ललित भसीन। अगला क्वेश्चन, संजय लाल थाउसेन, नाम बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा क्योंकि अभी रिसेंटली में इनको एडिशनल चार्ज दिया गया था, मतलब इम्पॉर्टेंट है, आगे बताता हूँ, पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। संजय लाल थाउसेन और अनीश दयाल सिंह, ये दो लोग हैं। संजय लाल थाउसेन को डीजी बनाया गया है सीआरपीएफ का और अनीश दयाल सिंह को डीजी बनाया गया है आईटीबीपी का। आगे बात करें, सुनील भरथवाल को सेक्रेटरी इन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स बनाया गया। याद रखिएगा, हीरो मोटोकॉर्प ने रामचरण, जो बहुत ज़्यादा चर्चा वाले एक्टर रहे हैं, साउथ के एक्टर हैं, इनको ब्रांड एम्बेसडर अपना बनाया है। किसने? हीरो मोटोकॉर्प ने। भंडारू विल्सन बाबू को इंडियन अम्बेसडर चुना गया मेडागास्कर में। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जब भंडारा हमको मिलता है तो हम गाने लग जाते हैं, तो मेडागास्कर ऐसे आप याद कर सकते हैं, भंडारा मिलने के बाद आप नाचने गाने लग जाते हैं। आगे बात करें, सीनियर एडवोकेट है आर वेंकट रमनी, जिनको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया चुना गया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसकी भी डिटेल में चर्चा करेंगे। विजय जसूजा, जिनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया गया है स्टार फिन का। अगला क्वेश्चन, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी को, जो कि रिटायर हो चुके थे, इनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया और ये सेकेंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। बेकरी फूड कंपनी ब्रिटानिया, जिसने अपना रंजीत कोहली जी को हेड बनाया है। किसको? रंजीत कोहली जी को अपना हेड बनाया है। विनायक गोडसे को सीईओ बनाया गया डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का। तो अब इनमें जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में डिस्कशन यहां पर करेंगे। जैसे ललित भसीन, इनको नया प्रेसिडेंट चुना गया इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। याद रखिएगा, इंडियन अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ललित भसीन को चुना गया है प्रेसिडेंट के रूप में। बात करें इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1968 में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, संजय लाल थाउसेन बहुत ज़्यादा चर्चाओं में इसलिए रहते हैं, रिसेंटली में इनको SSB का, सशस्त्र सीमा बल का डीजी बनाया गया और साथ साथ एडिशनल चार्ज दिया गया आईटीबीपी का, क्योंकि आईटीबीपी में संजय अरोड़ा जी काम कर रहे थे। संजय अरोड़ा जी चले गए दिल्ली के कमिश्नर के पद पर, अब आईटीबीपी का पद खाली हो गया, तो इनको ये पद दे दिया गया। किनको? संजय लाल थाउसेन को। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के कैडेट से आते हैं। यहाँ पर बात की जाए अन्य, अब संजय लाल थाउसेन अब क्या बन गए हैं, तो अब ये सीआरपीएफ के डीजी बन गए हैं। सीआरपीएफ के डीजी कौन बने? संजय लाल थाउसेन। बात की जाए दयाल सिंह की, तो दयाल सिंह आईटीबीपी में हेड बन गए हैं, डीजी बन गए हैं, क्योंकि संजय लाल थाउसेन अभी तक एडिशनल चार्ज के रूप में आईटीबीपी को संभाल रहे थे, अब इनको सीआरपीएफ का हेड बना दिया गया, सीआरपीएफ का डीजी बना दिया गया, इसीलिए अनीश दयाल सिंह को बनाया गया आईटीबीपी का डीजी। बात की जाए सीआरपीएफ में क्या हो गया, सीआरपीएफ में पहले तो कुलदीप सिंह जी काम कर रहे थे, बिल्कुल कुलदीप सिंह जी रिटायर हो गए, रिटायर होने की वजह से जगह खाली हुई, जिसकी वजह से संजय लाल थाउसेन को डीजी,
सीआरपीएफ का और आईटीबीपी का डीजी अनीश दयाल सिंह को बनाया गया। अब आप सोच रहे होंगे सशस्त्र सीमा बल का क्या हुआ, तो सशस्त्र सीमा बल का भी कुछ नहीं हुआ, मतलब अभी अपॉइंटमेंट नहीं किया गया। अब जो भी इनके नीचे वाले रैंक वाले पर्सन होंगे वो इसको संभालेंगे। तो ध्यान रखिएगा एसएसबी में अब थोड़े दिनों में अभी अपॉइंट कर दिया जाएगा किसी ना किसी को। याद रखिएगा सीआरपीएफ और आईटीबीपी भारत सरकार के द्वारा, भारत की जो कैबिनेट है उसके द्वारा, प्रधानमंत्री जी उसको हेड कर रहे होते हैं, उसके द्वारा इसे अपॉइंट, इन्हें अपॉइंट किया जाता है। सीआरपीएफ की बात करें, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की, तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसको फॉर्म किया गया था 1939 में। मोटो है इसका सर्विस एंड लॉयलिटी। आईटीबीपी की बात करें तो इसको फाउंड किया गया था 1962 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, भंडारू विल्सन बाबू को मेडागास्कर का इंडियन अम्बेसडर बनाया गया। तो याद रखिएगा हम गाते कब हैं, जब हमको भंडारा मिलता है। तो भंडारू सन बाबू, विल्सन बाबू, तो ये कौन है, मेडागास्कर में इंडियन अम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किए गए। बात करें कैपिटल ऑफ मेडागास्कर की, मेडागास्कर की कैपिटल है अंटानाना रियो इसकी कैपिटल है। और करेंसी की बात करें तो मलेगासी एरियारी इसकी करेंसी है। यहाँ पर मेडागास्कर के प्रेसिडेंट है एंड्री रजोएलिना। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, आर वेंकटा रमनी जिनको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, नया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। अब अभी तक कौन काम कर रहे थे, तो आपको बता दूं के वेणु गोपाल जी, जिनको 3 महीने का एक्सटेंशन भी मिला हुआ था अपने पद से, ये काम कर रहे थे। अब इनकी जगह लेंगे मिस्टर वेंकटा रमनी, आर वेंकटा रमनी। याद रखिएगा 1 अक्टूबर से इनका जो कार्यकाल शुरू हो जाएगा। आपको बता दूं 76 आर्टिकल के अंतर्गत जो अटॉर्नी जनरल का पद है वो एक्सप्लेन किया गया है। अगला क्वेश्चन, अनिल चौहान को नया CDS बनाया गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया। आपको बता दूं ये रिटायर थे और लेफ्टिनेंट जनरल थे। इनको, अनिल चौहान को CDS बनाया गया। याद रखिएगा यहाँ पर बात की जाए इनको कौन कौन सी अचीवमेंट्स अभी तक मिल चुकी हैं, तो इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल इनको अभी तक अपने पूरे करियर में प्राप्त हो चुके हैं। टोटल इनकी 40 साल का एक्सपीरियंस है, 40 साल की सर्विस है। 20 साल में ये आर्मी में भर्ती हो गए थे। आगे बात करें, अब इम्पॉर्टेंट डेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। सिर्फ रिवाइज करेंगे, ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। हमें सिर्फ सिर्फ याद करना है और इसकी जिनकी इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं उनकी यहाँ पर डिस्कशन होने वाली है। जैसे इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पेंशन की बात, ओल्डर पर्सन की बात करें तो 1 अक्टूबर को हम ओल्डर पर्सन इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों की हमारे घर में जो इम्पोर्टेंस है बताने के लिए हम इस डे को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर बात करें तो इसकी थीम रही है रेजिलेंस ऑफ ओल्डर पर्सन्स इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे 2022 हमने ऑब्जर्व किया 1 अक्टूबर को। इंटरनेशनल कॉफ़ी डे हमने 1 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस हमने 2 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया। और इंडिया ने 118th लाल बहादुर शास्त्री जी की बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की, वो 2 अक्टूबर को ही हम ऑब्जर्व करते हैं। और गांधी जी की जयंती आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है कब हुई थी, मतलब इनका बर्थडे कब हुआ था, ये डेट आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। कुछ काम आपके लिए भी दे जाऊं जिससे कि आप लोग भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग से वीडियो देखें और नीचे कमेंट बॉक्स में इन्वॉल्व हो। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैबिटेट डे 2022 का हमने 3 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया, जिसकी थीम थी माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। ये इसकी थीम थी, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल हमने 2 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया।
68 नंबर का नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक हमने 2 से लेकर 8 अक्टूबर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। वर्ल्ड स्पेस वीक हम 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। एफर्ट अच्छा लगा हो तो आप भी वीडियो लाइक और अपने दोस्तों तक रिकमेंड कर सकते हैं। जो भी आपको वीडियो में रिक्वायरमेंट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसकी रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।